हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ गौरव गेरा। हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल इंडिकेटर की। हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ट्रांस अटलांटिक, दिस इज़ ट्रांस पैसिफिक, ये चार ग्लोबल इंडिकेटर कर चुके हैं और एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने ग्लोबल इंडिकेटर की करी थी ताकि आपको इन सब का बेस बन जाए। और अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर अबाउट अटलांटिक पैसिफिक एपी। सो अटलांटिक पैसिफिक, अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं ग्लोबल इंडिकेटर की तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि ये क्या होना चाहिए। और हम इसको डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे कि अटलांटिक पैसिफिक क्या होता है और कौन सी राउटिंग्स विद एग्जांपल्स विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और आपको टेलीग्राम का चैनल प्लीज़ यू कैन ज्वाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहीं पर होंगे और डेली क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। एंड वी हैव मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जहाँ पर रोज़ डेली अपडेट्स न्यूज़ आती हैं। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं इन यू नो इन योर डेली लाइफ। वेन एवर यू स्टार्ट अ स्पीच तो इट इज़ एडवाइजेबल कि एक फैक्ट बोल दोगे तो यू नो यू गेट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए। एंड वी हैव एक्चुअली यू नो अपलोडेड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स इन द पास्ट ऑन इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज। और आजकल जो है वहाँ पर डेली न्यूज़ आ रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन अस ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। नाउ अटलांटिक पैसिफिक, जैसा आपको लग रहा है इसके नाम से, इसके अंदर पैसेंजर जो है वो अटलांटिक ओशन भी क्रॉस करेगा और वो पैसिफिक ओशन भी क्रॉस करेगा। मतलब अब दोनों ओशन क्रॉस करेगा जैसे ही वो अटलांटिक पैसिफिक हो गया। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि वो 1 से 2 में जा रहा है तो ये ग्लोबल इंडिकेटर लग रहा है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, तो वो 2 से 1 में जाएगा ना तो भी वही ग्लोबल इंडिकेटर लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा नहीं लगता, वो वैसे भी लगता है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखना। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, इसको इससे कनेक्ट मत करना। लेट्स, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर एक दो जो है कमेंट्स भी आए थे और सम ऑफ देम वर कंफ्यूज्ड क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये एरिया ए से एरिया बी में जा रहा है तो ए ग्लोबल इंडिकेटर है लेकिन बी से ए में आ रहा है तो क्या सेम लगेगा। तो इसका आंसर है येस, सेम लगेगा, वो सेम राउटिंग ही वापस आ रही है अगर राउटिंग सेम है तो। नाउ लेट्स लुक एट दिस, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। इस वर्ल्ड मैप में अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये TC1, TC2, TC3, अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ये है हमारा पैसिफिक। अब मैं हमारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी काम कर लिया है इसके ऊपर, अब अपना ही लग रहा है ये। एंड देन यू सी यू हैव दिस पार्ट। अगर आपको TC2 से TC3 में जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है बस, या यहाँ से यहाँ जाना है बस, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है और आप जाओगे पूरी दुनिया घूम के, राउंड द वर्ल्ड होके जाओगे, मतलब आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन ऐसी जर्नीज भी होती है जहां पर आप, अगर आप जैसे बीजिंग में हो मान लो यहाँ पे, या लेट्स से आप जापान में हो, इधर जापान में टोक्यो में हो आप, और टोक्यो से आपको जाना है पोर्टुगल, लिस्बन जाना है, तो यहाँ से जापान से पोर्टुगल, TC3 से TC2। अब जापान जो है, और यहाँ पर आपने ले ली यूनाइटेड एयरलाइंस, तो वो क्या करेगी आपको, वो यहां से यहां लेके जाने के बदले आपको शायद पीछे से ले जाएगी। तो पहला ओशन जो आपने क्रॉस किया वो है पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद आप यहां से घूमते फिरते यहां पे कहीं यूएस में लैंड करोगे और फिर यहां से आप अगली फ्लाइट लेकर के और ये पोर्टुगल में जाओगे। सो अगर आपने देखा तो इसको क्रॉस करते इस टाइम पे, यहां से यहां आते वक्त आपने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया। सो दिस इज पैसिफिक ओशन क्रॉस्ड, अटलांटिक ओशन क्रॉस्ड, इसको आप कहते हो अटलांटिक पैसिफिक ओशन, यहां पर आप अटलांटिक और पैसिफिक दोनों के दोनों ओशन को क्रॉस कर रहे हो। उल्टा भी जो है वो वैलिड है कि अगर आप इस तरफ से जाते हो, मान लो आपने आयरलैंड से डबलिन से फ्लाइट शुरू करी और आपको जो जाना है वो लेट्स से बीजिंग जाना है। अब बीजिंग तो आप यहां से जा सकते हो आसानी से चाइना में, लेकिन आप कह रहे हो नहीं हम लेंगे फ्लाइट एयर कैनेडा आपको पहले यहां लेके आई कैनेडा में, मतलब आपसे पहले क्रॉस करवाया अटलांटिक ओशन, फिर वो आपको यहाँ से लेके गई पीछे और फिर वो यहाँ से पैसिफिक ओशन क्रॉस करके आपको बीजिंग में पहुँचाया। सो अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि हम लोग दोनों ओशंस क्रॉस कर रहे हैं। इन एनी केस इफ़ यू क्रॉस 2 ओशंस इट इज़ गोइंग टू बी अटलांटिक पैसिफिक।
ट्रैवल अकेडमी इंग्लिश भी एक चैनल है जो हमने बनाया है, अभी उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लोग वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्टेंट इन हिंदी, सो हमने उन लोगों के लिए वो इंग्लिश चैनल बनाया है, सो आई होप इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल, दैट विल रियली हेल्प यू इन ऑल द रिविजन, और जो भी कॉन्टेंट हमने इम्प्रोवाइज किया है, जो भी चेंजेस किए हैं, वो सब उन वीडियोज़ के अंदर आपको मिलेंगे. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास एक, चलो लेट्स डू दिस थिंग एक बार, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. दिस इज टी सी एरिया 1. मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग आप लोगों को ये सब कुछ आ चुका है. और ये टी सी एरिया 2 और 3 है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये लैंड मास से जुड़ा हुआ है और ये अकेला है. और यहाँ पर हमारे पास दो ओशंस हैं, एक ओशन यहाँ पर जो है ये है अटलांटिक, और ये ओशन है हमारे पास पैसिफिक. सो अटलांटिक एंड पैसिफिक, यू हैव टू ओशंस. अब जो हमारे पास फ्लाइट है, अगर वो फ्लाइट को यहाँ से यहाँ जाना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन मतलब 2 से 3 में जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं जाऊँगा TC1 में पहले, मतलब अटलांटिक क्रॉस करेंगे, फिर पैसिफिक क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुँचेगा. So if you see, you have taken a longer route. You have taken a longer route. या फिर आप कहते हो नहीं, मैं मेरी यहाँ से फ्लाइट है, मतलब लेट्स से कोई किसी की जो न्यू दिल्ली में कोई रह रहा है और न्यू दिल्ली से उसको फ्लाइट लेनी है, लेट्स से यहाँ पर अफ्रीका में, अब वो चाहे तो ऐसे जा सकता है, लेकिन वो कह रहा नहीं, हम जाएंगे पीछे से. पैसिफिक क्रॉस किया, यहाँ भी पैसिफिक ही है, तो पैसिफिक क्रॉस किया यहाँ से होते हुए, मतलब टी सी एरिया 1 से होते हुए, फिर आप यहाँ पे आ रहे हो अफ्रीका में. सो बेसिकली आपने जो रास्ता चूज़ किया अभी, वो लंबा रास्ता था. सो वेन एवर यू चूज़ अ लॉन्गर राउट, तो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस या फिर जो भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया, तो उसको आप अटलांटिक पैसिफिक बोलोगे, AP. दिस इज़ दी ग्लोबल इंडिकेटर. एग्जाम्पल के साथ एक बार देखते हैं हम कि अगर हमारे पास एक फ्लाइट है जो शुरू हो रही है दुबई से, और दुबई से ये जो है भाई साहब जा रहे हैं, लेट्स से इज गोइंग टू कौन सी जगह ले हम ले लेते हैं ब्यूनस एयरेस. वो ब्यूनस एयरेस जा रहा है, और फिर ब्यूनस एयरेस से वो जा रहा है नेक्स्ट फ्लाइट लेकर के, लेट्स टेक अ फ्लाइट इन TYO एंड देन टेक वन एट CSEL. अब ये देखो, ये हमारी जर्नी है. DXB इज दुबई, BUE इज ब्यूनोस एयरेस, TYO इज टोक्यो एंड SEL इज सोल. अब जैसा कि आप इंटेलिजेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको पता है कि कौन सी कहां पर है. दुबई जो है ये हमारा TC एरिया 2 में है, और इसको आप कहते हो कि ये मिडल ईस्ट के अंदर है. देखना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दुबई जो है, दुबई इस वर्ल्ड मैप में इंडिया के बिल्कुल पास में है ये. यहाँ पे इधर थोड़ा सा जूम इन करोगे आपको दुबई दिखेगा. यहाँ देखो, ये दिस इज़ दुबई, इधर गिरा. सो दुबई यहाँ पर है. दुबई से हमारी फ्लाइट जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, ब्यूनोस एयरेस. मतलब हमारी दुबई से फ्लाइट इस तरफ को जा रही है ब्यूनस एयरेस के लिए. मतलब दुबई से आप फ्लाइट लेकर के जा रहे हैं इधर, ये अर्जेंटीना में. अर्जेंटीना में जूम इन करोगे, ये रहा ब्यूनस एयरेस. तो आप यहाँ से ब्यूनस एयरेस गए दुबई से, और फिर ब्यूनस एयरेस से आप, मतलब आपने क्या किया, आपने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया यहाँ जाते हुए. तो दिस इज TC एरिया 1, ब्यूनस एयरेस 1 में है और साउथ अटलांटिक में है, SA में. फिर हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो है टोक्यो. टोक्यो अगर आप देखेंगे, तो आप टोक्यो पीछे से गए, क्योंकि ऑफ कोर्स अब यहाँ से वापस उधर नहीं जाओगे, आप यहाँ से गए और टोक्यो जो है वो ये रहा. दिस इज़ टोक्यो, यहाँ पर आप आओगे जापान में. दिस इज़ टोक्यो. तो इसका मतलब फिर ये गया TC एरिया 3 में, जो कि है जैपकॉर. ये जैपकॉर और साउथ अटलांटिक, ये सब कुछ हम लोग इसकी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं. प्लीज गो थ्रू एंड रिवाइज इट, दैट विल रियली हेल्प यू. देन यू हैव लास्ट, विच इज सियोल या सोल. सोल कहाँ है, बिल्कुल इसके पास में है, साउथ कोरिया में. आप यहाँ आओगे, ये रहा
जापान के पास। तो अगर जब ये आया यहाँ से, जब ये ब्यूनोस एरिस से ट्रैवल करके पैसेंजर जापान आया था, तो उसने पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस किया था। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया पैसिफिक ओशन क्रॉस। और ये सोल जो है ये टीसी एरिया 3 है, कोरिया में है, जैपकॉर आप लिख सकते हो उसको, जैपकॉर। तो आप देखेंगे अगर, तो एक तो जब वो दुबई से ब्यूनस एरिस गया तो उसने यहाँ पे अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, और जब वो ब्यूनस एरिस से टोक्यो गया तो उसने पैसिफिक ओशन क्रॉस किया। यहाँ देख सकते हो ये जो है, जब वो दुबई में था इधर इस तरफ, दुबई से जब वो निकला, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, दुबई से फ्लाइट ली तो वो ब्यूनस एरिस गया। ब्यूनस एरिस से उसने नेक्स्ट फ्लाइट ली यहाँ से, मतलब पहले उसने क्रॉस किया अटलांटिक ओशन, फिर वो यहाँ से उड़ के गया, क्योंकि यहाँ से निकला होगा, और टोक्यो गया, और टोक्यो से वो सोल गया। लेकिन जब टोक्यो गया वो, तो यहाँ पर उसने पैसिफिक ओशन क्रॉस किया, सो पैसिफिक भी क्रॉस किया, अटलांटिक भी क्रॉस किया, इसका मतलब अटलांटिक पैसिफिक ओशन हो गया। उल्टा जाएगा तो भी ऐसा ही होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपका क्वेश्चन लेकिन जो है आज का वो है, लेट्स, बिकॉज आई मेक दिस ऑन द स्पॉट, आई डो नॉट यू नो प्रिपेयर दिस, क्योंकि अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर कई बार ना जो है बहुत आसान बन जाता है, ऑन द स्पॉट इट बिकम्स रियली समटाइम्स डिफिकल्ट। लेट्स टेक, ओके, अगर हमारे पास, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि अब ये कौन सा ग्लोबल इंडिकेटर होगा, मैं सीधा बना देता हूँ इसको। लेट्स टेक SIN, यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम SIN टू YTO टू लेट्स टेक BUE टू CCS, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। SIN टू YTO, YTO टू BUE, BUE टू CCS, ये कौन सा ग्लोबल इंडिकेटर है? मैं आपको नाम बता देता हूँ इसके, ये सिंगापुर है, ये टोरंटो है, टोरंटो YYZ और YTO दोनों है, BUE ब्यूनोस एरिस है जो हमने अभी किया, और CCS जो है कारकास है। अब अगर ये है आपके पास जर्नी, तो ये कौन सा ग्लोबल इंडिकेटर है? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आपके वो सिटी कोड्स वगैरह याद रखने हैं, और मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर सारे सिटी कोड्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आईटा के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो सब कुछ देख सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड इफ़ यू रियली विश टू डू अ ट्रैवल कोर्स, अगर आप अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहते हो, अपनी इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो वी हैव स्टार्टेड आर ऑनलाइन कोर्स 101 कोर्सेस, एंड यू कैन ज्वाइन अस and will help you in improving, because we're getting people from all around the world. So, agar aap chahte hain to excel, you can call on this number or WhatsApp on this number. I will see you in the next video. Thank you for watching this one. Thank you for liking it. Thank you for subscribing the channel. And thank you for hitting the bell icon. Take care. I'll see you in the next one. Bye-bye.